हम तावा ओट्स पैनकेक बना रहे हैं, तो ये मैंने एक कटोरी ओट्स लिया है, इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो ये हमारा ओट्स जो है वो रोस्ट हो गया है, इसे हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद 5 मिनट के बाद हम इसे ग्राइंडर में एक पाउडर, फाइन पाउडर बना लेंगे। तो आइए हम इसे पाउडर बना लेते हैं। इसे हमने ठंडा कर लिया है, इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे। तो आइए हम इसका पाउडर बना लेते हैं। ये पाउडर बनके रेडी है, आप चाहें तो इस पाउडर को आप बना के रख सकते हैं। तो आइए हम इसका बैटर बना लेते हैं। ये मैंने 1 कप ओट्स लिया है और उसमें मैंने 1/2 कप आटा डाला है। ये आटा है जिसको 1/2 कप मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। 1/2 कप मैंने खांड लिया है, आप चाहो तो पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं, चाहिए तो आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, चाहिए तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहे इसमें डाल सकते हैं। इन सभी को हम मिक्स कर देंगे। तो इसका हम बैटर बनाएंगे। तो बैटर के लिए मैंने दूध यूज़ किया है, आप चाहो तो पानी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम धीरे धीरे गुठली ख़त्म होने तक ऐसे मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका बैटर अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऐसे मिलाते हुए इसके सारे गुठली ख़त्म होने तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हो इसमें कोई भी लम्स नहीं है, तो ये हमारा बैटर बनके रेडी है। हमें ऐसा ही बैटर चाहिए, ये बिल्कुल हमारा ये बैटर रेडी है। इसे हम 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम इसे तावा पैनकेक बनाएंगे। तो आइए हम बनाते हैं। हमारा तावा गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो, मैं इसमें घी स्प्रेड कर रही हूँ। चारों तरफ घी को ऐसे हम स्प्रेड कर देंगे। बैटर है उसको हम इस पर डालकर स्प्रेड कर देंगे। डालते हैं उसको हम ऐसे हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे। अब आप देख सकते हो ऊपर से जो हमारा पैनकेक है इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे पलट लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे करते हुए पलट देते हैं। आप देख सकते हो ऊपर से हमारा पैनकेक सिक चुका है। वन साइड हमारा पैनकेक सिक चुका है, इसी तरह हम दूसरी साइड भी सेक लेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें घी और स्प्रेड करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और स्प्रेड कर रही हूँ चारों तरफ से। आप चाहो तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। हमारा दूसरा साइड भी आप देख सकते हैं, ये पैनकेक हमारा पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और हम दूसरा इसी तरह अपना सारा पैनकेक बना लेते हैं।